अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके पेपर है बिजनेस एथिक्स का 8512। किस तरह से आपने सॉल्व करना है, क्या डिटेल्स हैं, कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या हेडिंग्स देनी है जिससे आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके, इफेक्टिव पेपर हो सके, तमाम डिटेल्स डिस्कस करने जा रही हूं इस वीडियो में। इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा, ये चंद मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जल्दी से गाइडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपने अपने पेपर को 600 टू 800 वर्ड्स ईच क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। प्लेगजम नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देखें, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस करंट पैनडामिक ऑन कैपिटलिज्म, विच इकोनॉमिक सिस्टम वुड सर्वाइव आफ्टर दिस। ठीक है, अब आपने कैपिटलिज्म का बताना है कि उस जो करंट पैनडामिक है, करंट पैनडामिक में क्या इफेक्ट हो रहा है कैपिटलिज्म में, क्या वो राइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या मॉनेटरी इफेक्ट्स हो रही है, वो तमाम चीजें आप डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा बताएंगे कि क्या इकोनॉमिक सिस्टम इसके बाद भी सर्वाइव करेगा या नहीं, और क्या सिनेरियोस हैं, क्या इंपैक्ट्स हैं, एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं बिजनेस पे। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स आप डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाएं, डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी वे है, आप थ्रू गूगल आप सर्च करें हर क्वेश्चन की डिटेल्स को, पार्ट्स में सर्च करें। जो मैं पार्ट्स आपको बताती हूँ, जो मैं हेडिंग्स बताती हूँ, उनको लिख के सर्च करें, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके टाइप करें। व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड मॉरल ऑब्लिगेशन, पहले आप सेल्फ इंटरेस्ट और मॉरल ऑब्लिगेशन को सर्च करें, और उसके बाद व्हाट आर इट्स टीचिंग, उसके बाद टीचिंग ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड मॉरल ऑब्लिगेशन अंडर इस्लामिक लॉ, और इस तरह से आपके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड पे कंक्लूजन दे दीजिएगा जिसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी शेयर करें। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ मोरालिटी रिलीजन एंड लॉ, इनके बारे में रिलेशनशिप आप शेयर करेंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि किस तरह से यू कैन डिफाइन इंडिविजुअल इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इन मॉरालिटी रिलीजन और लॉ अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मॉरालिटी इन रिलीजन इन लॉ, और कंबाइंड भी एक पैरा में कर सकते हैं। होप सो ये तमाम डिटेल्स आपको क्लियर होंगी। मजीद किसी इंफॉर्मेशन की सूरज में यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट टू एएचए असिस्टेंट्स ऑन द गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।